झज्जर में अपराध इस कदर बढ़ने लगे हैं कि अब यहाँ लोगों के शव नहीं बल्कि कंकाल बरामद होने लगे हैं। अब खुद अंदाजा लगाइए कि कानून व्यवस्था झज्जर में किस तरीके से चरमरा रही है। झज्जर के सिलाना गांव में युवक का कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जिस युवक का कंकाल पुलिस ने बरामद किया है उसकी पहचान 27 साल के दीपक के तौर पर हुई है। दीपक मजदूरी का काम करता है और 31 जुलाई की रात को घर से लापता हो गया था। उसके बाद परिवार और गांव के लोगों ने दीपक को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी दीपक का कोई अता पता नहीं चला। जिसके बाद दीपक के पिता ने 8 अगस्त 2023 को स्थानीय पुलिस को दीपक के घर से लापता होने की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद लगातार पुलिस और परिवार के लोग दीपक की तलाश में जुट गए। मगर आज पुलिस को युवक का कंकाल बरामद हुआ। दिनांक 8/8/2023 को जगवीर पुत्र सोमाराम सिलाना ने एक दरखास्त दी थी कि उसका लड़का दीपक 27 साल का है, वो शाम 8:30 बजे से घर से बिना बताए चला गया। तो उस पर हमने FIR दर्ज कर दी थी। तो उस पर पूछताछ करी तो कल हमने गुप्त सूचना के आधार पर दो लड़के राहुल तिलकराज सिलाना का और बुधवीर राम निवासी बनिए हमने इनको गिरफ्तार करा। पूछताछ करी तो उन्होंने इसका खुलासा करा। तो इन्होंने 31/7/2023 को ही शराब पी रात को शमशान घाट सिलाना में और वहाँ किसी बात पर इनकी अनबन होगी तो उस पर इसने इन्होंने इसको दीपक को मार दिया और मार के वही झुंड खड़े हुए झुंडों में डाल दिया था। तो कल हमने ये बॉडी भी बरामद कर ली। तो अब उसके पोस्टमार्टम के लिए एक टीम गई हुई है और उसको केस करने के लिए दूसरी टीम गई हुई है। उसका रिमांड हासिल करके अगर इसमें कोई और आगे कोई बात आती है तो होगी। तो पूछताछ में कुछ और निकल कर सामने आया सर क्या? अभी तक यही है कि इन तीनों ने बैठ के इकट्ठी शराब पी थी और उसके बाद इनके अनबन हुई और इसको मार दिया था और डेड बॉडी को झुंड में डाल दिया था। अब रिमांड ले रहे हैं, रिमांड के बाद जो भी आगे कोई बात आई तो वो भी। पुलिस के मुताबिक उन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर राहुल और युद्धवीर को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आरोपियों ने वारदात का खुलासा किया। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि पहले तीनों ने मिलकर गांव के शमशान घाट में बैठकर शराब पी और इस दौरान राहुल और युद्धवीर की दीपक से कहासुनी हो गई, जिसके बाद राहुल और युद्धवीर ने मिलकर दीपक को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद दीपक के मृत शव को झाड़ियों में फेंक कर मौके से फरार हो गए। वहीं आरोपियों द्वारा वारदात के खुलासे के बाद पुलिस द्वारा मृतक दीपक के शव को सिलाना गांव की झाड़ियों से बरामद किया गया। झज्जर से दिनेश बेहरा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।